हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं लेके आ चुका हूँ आज एक नई वीडियो, कुछ नया टॉपिक। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी के अभी कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आपको इसी चैनल पे ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे, बाकी किसी चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और इसके ऊपर जो भी वीडियो आते हैं वो बिल्कुल रियलिस्टिक होते हैं, ना कि कोई फर्जी वीडियो आता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि अपने स्नैपचैट के ऐप के अंदर जो कोई भी फोटो होती है उस फोटो को गैलरी में कैसे सेव करते हैं। क्योंकि जो कहने का मतलब कि स्नैपचैट से हम फोटो लेते हैं ना, वो स्नैपचैट के अंदर ही सीमित रहती है। उसको बाहर कैसे निकाले, अपनी गैलरी के अंदर कैसे ले, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्योंकि हम फोटो तो ले लेते हैं अच्छी फोटो, पर उसको बाहर कैसे निकाले, फेसबुक पर कैसे डाले, इंस्टाग्राम पर कैसे डाले, वो सब फिर बाद में आगे होता है। व्हाट्सएप पर कैसे डाले स्टोरी स्टेटस, तो वो कुछ ऐसा इसमें प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं आपको बताऊँगी स्नैपचैट वाली फोटो को गैलरी में कैसे ले। तो मैं बिना किसी रुकावट स्नैपचैट को डाउनलोड ओपन कर लेता हूं। मेरे पास डाउनलोड है, आपके पास डाउनलोड नहीं हो डाउनलोड कर लेना। तो ओपन ये देख सकते हो, ओपन करने के बाद में ये आपको मैंने डाउनलोड किया, उसके बाद में कुछ किया नहीं, छेड़छाड़। तो मैं अब इसमें अपनी आईडी को फिल कर देता हूं। स्नैपचैट को ओपन करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो इस इंटरफेस में आपको कोई भी एक फोटो क्लिक कर लेनी है, जो चाहिए अपना मनपसंदा फिल्टर लगा सकते हो। मैं इस को आपको दिखाने के लिए फोटो ले लेता हूं। तो इस फोटो को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको ये अलाउ का ऑप्शन आएगा, अलाउ या डोंट अलाउ कर सकते हैं। मैं डोंट अलाउ कर रहा हूँ अभी लोकेशन के लिए। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तीन ऑप्शन और आ रहे, सेव स्टोरी, सेव टू, तो सेंड टू। तो आपको यहाँ पे सेव करना है। सबसे पहले सेव करने के बाद सेव करना है आपको कैमरा रोल, सेव इसके अंदर सेव करना। सेव करने के बाद में आपको यहाँ से कट करना है। कट करने के बाद में यहाँ पे एक कट आ रहा है, इस यहाँ पे भी कट करना है। कट करने के बाद में यह आपको देख सकते हो कि गैलरी छप दिख रही होगी, इस गैलरी के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं गैलरी के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, और गैलरी के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ फोटो जो अभी क्लिक की वो फोटो आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अब आपको आप सोच रहे हो कि गैलरी में कैसे ले इस फोटो को, और मैं अभी आपको बता देता हूँ गैलरी ओपन करके ये फोटो गैलरी के अंदर है या नहीं। तो ये देख सकते हो अभी कोई गैलरी के अंदर ये फोटो नहीं है। तो मैं अब वापस जाता हूँ। अब देखना इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे देखना है, एक तो दिल का निशान है, और एक स्टोरी है, एक सेव सेंड टू है। तो आपको सेंड टू के ऊपर सीधा ही क्लिक करना है। सेंड टू के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे देंगे, और लिंक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ये बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो अब आपको कुछ नहीं, यहाँ पे आगे आना है, फिर बाद में आपको एक सेव करने का ऑप्शन दिखाई दे देगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो मैं क्लिक करता हूँ। ये आप क्लिक करने के बाद में ये देख सकते हो कि ये अपनी स्नैप वाली फ़ोटो है जो आपको गैलरी के अंदर चली गई है। यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ आया है, और अब आपको अपनी गैलरी ढूंढ लेनी है और गैलरी के अंदर देखनी है कि फ़ोटो आई है या नहीं आई। तो मैं अब मेरी गैलरी को खोलता हूँ। फ़ोन की गैलरी को ओपन करते ही आपको रिसेंट में ही देख लेना है कि फ़ोटो है या नहीं है।